हाय, सो इस वीडियो में बात करूंगा एक बैडमिंटन रैकेट के बारे में। सो अभी हाल ही में मैंने बैडमिंटन ज्वाइन किया और मैंने, क्योंकि मैं एक बिगनर लेवल प्लेयर हूँ, मैंने ऑनलाइन सर्च करा कि कौन सा बैडमिंटन रैकेट मेरे लिए सुटेबल रहेगा। सो मेरी सर्च के बाद मेरे सामने आया ये लियानिंग का बैडमिंटन रैकेट। ये मैंने ऑनलाइन टाटा क्लिक जो एप्लीकेशन है उससे परचेज किया। सो ये है लियानिंग का टर्बो सीरीज का टर्बो 99 बैडमिंटन रैकेट। इसके अगर स्पेसिफिकेशंस की बात कही जाए तो ये एक हेड हैवी रैकेट है। जिनको नहीं पता हेड हैवी का क्या मतलब है, सो बेसिकली जो रैकेट के तीन कंपोनेंट्स होते हैं, द ग्रिप पार्ट, द शाफ्ट पार्ट और द हेड पार्ट, इन तीनों में इसका वेटेज सबसे ज़्यादा होता है, तो इसीलिए इसको हेड हैवी रैकेट कहते हैं। ये वो प्लेयर्स यूज करते हैं जिनको एक ही पोजिशन से अपने अपोनेंट की कोर्ट तक में शटल को दूर तक पहुँचाना हो, ये उनके लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल रहता है। और भी तरह के रैकेट्स आते हैं, ग्रिप हैवी आते हैं जिनको अगर स्विंग ज़्यादा करना हो तो उनके लिए, बट मेरे लिए पर्सनली अभी ये हेड हैवी कंफर्टेबल था। इसकी अगर वेट की बात करी जाए तो ये 87 ग्राम्स का वेट करता है। मैंने देखा कि इससे और भी हल्के रैकेट्स अवेलेबल है मार्केट में, बट स्टिल 87 ग्राम्स मुझे काफ़ी सुटेबल लगा कि कोई स्विंगिंग में बैक हैंड, फोर हैंड या स्मैशेस वगैरह कर रहा हूँ तो ऐसे कोई वेट ज़्यादा नहीं लगा, तो उस मामले में 87 कंफर्टेबल है। तो आप अगर अपने लिए कोई रैकेट लेना चाहें तो आप वेट वाइज अगर 87-90 ग्राम तक भी हो तो आप आराम से ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं इसके स्ट्रिंग टेंशन के बारे में, बेसिकली कितनी इसकी अच्छी स्ट्रिंग्स हैं। सो ऐसा कहते हैं कि जो स्ट्रिंग टेंशन जो इंटरमीडिएट लेवल प्लेयर्स की होती है वो 24-28 पाउंड होती है, और जो एडवांस लेवल प्लेयर्स होते हैं उनकी ओवर 28 पाउंड होती है। अगर किसी की 24 पाउंड से कम है तो वो रैकेट जैसे सस्ते मध्य से होते हैं उस कैटेगरी में फॉल करता है। सो इस रैकेट की स्ट्रिंग टेंशन 28 पाउंड से लेस है, यानी कि इंटरमीडिएट कैटेगरी में आ गया। और मैं बताना चाहूँगा कि मैंने इस रैकेट को उन फैक्टर्स के बेसिस पे बिगिनर लेवल कंसिडर किया कि जो प्लेयर्स एज सच कोई गली मोहल्ले में या पार्क्स वगैरह में नहीं बल्कि प्रॉपर एक अटायर के साथ में इनसाइड कोर्ट में खेलना चाहते हैं, तो उस बेसिस पे मैंने इसको एक बिगनर फ्रेंडली या बिगनर लेवल का कंसिडर करा है। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। सो इस पे जो प्रिंटेड एमआरपी रेट है वो 4600 है, ऑल्दो मैंने इसको परचेज किया है 2100 का। ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस लाइक अमेजोन पर अगर आप देखते हैं तो ये आपको 1900 का भी मिल जाएगा, और जिनकी ऑफिशियल वेबसाइट है लेने की वहाँ पर वो एक ऑप्शन और देते हैं कि आप बेसिकली इसको फ्रेम पार्ट इसका एक अलग से परचेज कर सकते हैं और साथ में जो इसकी स्ट्रिंग्स हैं उसमें वो कस्टमाइजेशन ऑप्शन दे देते हैं, तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से या अपनी चॉइस के हिसाब से स्ट्रिंग चूज करके इसमें लगवा सकते हैं, तो आप वो चेकआउट कर लीजिएगा। और इसको मैंने एक ही दिन यूज़ किया और मुझे काफ़ी सही परफॉर्मेंस लगी मेरे पिछले रैकेट के मुकाबले। मैंने इससे पहले योनिक्स का नैनोरे D1 यूज़ किया हुआ है और उसके मुकाबले मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एक चीज़ और है, अगर आप में से किसी को एक आइडिया हो कि इसमें रैकेट में ग्रिप लगवानी चाहिए कि नहीं, अगर लगवानी चाहिए तो कौन सी लगवानी चाहिए, अगर इसका आपको आइडिया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। बाकी अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय।